कमर्शियल ज़मीन ढूंढ रहे हो जहां आप दुकान निकाल सकते हो, मॉल निकाल सकते हो, हॉस्पिटल या भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, तो वहां पे आज आपको ज़मीन दिलाऊंगा। कॉर्नर प्लॉट है और यहां पे 3 साइड ओपन प्लॉट विथ बाउंड्री वॉल ऑन रोड, बिल्कुल 8 लेन पे मिलने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो पे। बिल्कुल खूबसूरत लोकेशन है, कॉर्नर प्लॉट है, 3 साइड से खुलती है, कमर्शियल यूज़ काफ़ी अच्छी आने वाली है। और ये प्लॉट आपको मिलती है हीरक रोड 8 लेन असरफी रोड पे। अगर आप यहाँ से जाते हो तो सरफी, कतरास रोड, ये सब पहुंचोगे। और ये है आपका बरवड्डा में, यानी कि एयरपोर्ट के जस्ट बगल में आपका प्लॉट हो सकता है, वो भी कमर्शियल प्लॉट 3 साइड रोड के साथ, वो भी 58 के बड़े फ्रंट के साथ। 6 कट्ठा का प्लॉट है, 3 साइड रोड ओपन होता है और ये 8 लेन से जुड़ा हुआ प्लॉट है, यानी कि कमर्शियल यूज़ आने वाला है। यहाँ पे आपको नगर निगम का ऑफिस बनते हुए दिख जाएंगे, यहीं पे डीसी ऑफिस आपको बनते हुए मिल जाएंगे, यहीं पे असरफी हॉस्पिटल है और बिल्कुल बिरसा मुंडा पार्क के अपोजिट साइड में, यानी कि सारा कुछ फैसिलिटीज़ जो कमर्शियल का हब बनाता है और इस लोकेशन को हाई क्लास बनाता है, और यहाँ पे वो प्लॉट मिल रही है बिल्कुल बिल्कुल नियर बाय में। चाहे वो धैया से कनेक्टिंग हो, चाहे वो असरफी रोड से कनेक्टिंग हो, चाहे वो NH2 से कनेक्टिंग हो, आप रोड समझ गए होंगे। ये बिल्कुल चौराहा पे ये कॉर्नर प्लॉट है जो कि वाइट वाली आपको दिख रही है, और ये प्लॉट आपको मिल सकती है काफ़ी अच्छे प्राइस पे। कमर्शियल प्लॉट है तो अगर आप यहाँ पे खरीदते हो तो आप कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो, मॉल निकाल सकते हो, शॉप निकाल सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, काफ़ी सारे खूबसूरत फैसिलिटीज़ है, क्लिनिक निकाल सकते तो इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, कमर्शियल आपको प्लॉट दिलाना था वो मैं आपको दिला दिया। 8 लेन पे है, बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट है, बिल्कुल 3 साइड से रोड भी खुलती है, साथ में 8 लेन कनेक्ट होता है, सरफी रोड कनेक्ट होता है, बिरसा मुंडा पार्क के अपोजिट है, बिल्कुल यहां से कनेक्टिविटी धैया की, NH2 की एंड सब जगह की बहुत ही आसपास मिलती है। तो अगर ये प्लॉट खरीदनी हो तो हाउसिंग को सब्सक्राइब कर ले। और 58 की बड़ी फ्रंट है, 6 कट्ठा का प्लॉट है, आप इसमें से 3 कट्ठा भी ले सकते हो, तो 6 कट्ठा का प्लॉट है, 58 फ्रंट एंड डेप्थ आपको 74 मिलेगा, तो स्क्वायर लैंड लगभग आपको मिलता है, रेक्टेंगुलर आपको मिल जाता है। तो ये प्लॉट खरीदने के लिए हाउसिंग एजेंसी को कॉल कर सकते हैं, और जितना भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए प्लीज सब्सक्राइब हमें जरूर करें। सबसे ज्यादा जो डिमांड्स रहती है वो आप लोग की तरफ से जमीन की रहती है, जो कि मैं आज डिटेल में जमीन भी बताता हूं, जो कि है 5.5 लाख की भी जमीन आपको मिल सकती है, 5,80,000 पर कट्ठे में भी जमीन आपको मिल सकती है, साथ में ही आपको 9 लाख की भी मिल सकती है, साथ में आपको 8.5 लाख की भी मिल सकती है, 11 लाख की भी मिल सकती है, 10 लाख की भी मिल सकती है। हर एक रेंज में लैंड भी अवेलेबल है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, तो साइज भी है अलग अलग, बट याद रखना लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करेगा। तो जो सस्ता है वो सस्ता उस वजह से है क्योंकि उसकी लोकेशन उसके अकॉर्डिंग है, जो महंगा है उसका लोकेशन उसके अकॉर्डिंग महंगा होगा, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग महंगा रहेगा। तो ये आपको समझना है कि आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, या फिर आप आज घर बनाने का प्लान कर रहे हो, या आप दोनों ही जा रहे हो और कैसा लोकेशन में जा रहे हो, ये सब डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा कि आप कौन से लोकेशन में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो और कैसी प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हो। दोनों ही अवेलेबल मिलेगी, और हाउसिंग एजेंसी का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब कुछ आपको एक ही चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, फॉलो करेंगे तो आपको हर एक अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड, और आप एक ही जगह पे आप सारी प्रॉपर्टीज देख सकोगे, सस्ते हो या महंगे हो। ऑन रोड फ्लैट चाहिए वो भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी चाहो तो खरीद सकते हो। ऑन रोड फ्लैट की भी कीमत काफ़ी सस्ती आ रही है, 42 लाख रुपये में आप 4 BHK खरीद सकते हो, वो भी स्टील गेट जैसे लोकेशन में। अगर आप चाहो तो स्टील गेट सराइडेला मेन रोड पे 42 लाख में 4 BHK लगभग आपको साइज में 1400 स्क्वायर फीट की फ्लैट मिल जाएगी, फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगी, कार पार्किंग के साथ मिल जाएगी, इंक्लूडिंग आपको इंटीरियर का काम मिलेगा, मॉड्यूलर किचन मिलेगा, पूरी कंप्लीट पेंट वर्क मिलेगी, सीलिंग वगैरह कंप्लीट किया हुआ मिलेगा, आप खरीद सकते हो इसको भी 42 लाख में 1400 स्क्वायर फीट की। और आपको अगर बड़े साइज की चाहिए तो भी आप खरीद सकते हो, देव विहार सोसाइटी यानी कि कार्मल स्कूल की तरफ आपको 55 लाख की मिलेगी विथ इंक्लूडिंग फर्नीचर के साथ, प्राइस नेगोशिएबल हो सकती है इसकी। और जो भी फ्लैट के साइजेस है ना वो 1700 स्क्वायर फीट की है, तो अकॉर्डिंग टू साइजेस, अकॉर्डिंग टू फर्नीचर, अकॉर्डिंग टू लोकेशन प्राइस वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के अकॉर्डिंग समझ के आपको परचेस करनी होगी। कार्मिक नगर जैसी लोकेशन में भी फ्लैट्स अवेलेबल है, नई फ्लैट अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल है, 1318 यानी कि बड़े साइज की अवेलेबल है, प्राइस बहुत सस्ती है, 34 लाख की है, नेगोशिएबल यहाँ भी हो जाएगा, विद कार पार्किंग यहाँ भी हो जाएगा। तो ये सारे फ्लैट्स मार्केट में अवेलेबल है, ये जमीन भी अवेलेबल है, एक कोलाकुसुम में जमीन है, स्क्वायर लैंड है वो भी अवेलेबल है,
9,20,000 पर कट्ठे में आप उसे खरीद सकते हो। स्क्वायर लैंड है, अगर आप 2 कट्ठा भी खरीदते हो तो उसकी 25 की लगभग फ्रंट मिल जाएगी, जो कि कहीं नहीं मिलेगी, इस जगह पे मिलेगी। आप उसमें से 2 कट्ठा भी उठा सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, पूरा 5.5 भी ले सकते हो। तो टोटल 5.5 कट्ठे की जमीन है विद बाउंड्री वॉल के साथ है। सेकेंड, कुंज बिहार लेमन चिली सोसाइटी के पास भी अवेलेबल है 8 कट्ठा की जमीन, वहाँ भी ले सकते हो। तो अलग अलग रेंज की अलग अलग सोसाइटी के अंदर जमीन भी है, फ्लैट भी है, घर चाहिए तो इंडिपेंडेंट हाउस भी है। बट इंडिपेंडेंट हाउस की अगर पूरी डिटेल चाहिए तो व्हाट्सअप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। और जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई, चाहे जमीन हो, फ्लैट हो, 20 लाख की हो, 25 लाख की हो, 30 लाख की हो, जैसी आपकी बजट हो, जैसे आपकी साइज हो, आप सब समझ के अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग विजिट करने के लिए हमें कॉल कर सकते हो। फॉलो करें, धन्यवाद, थैंक यू।